हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको होममेड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये वेजिटेबल्स पिल्स है जो कि हम फेंक देते हैं, बट इसे अगर आप एज अ फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करते तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आप जैसे मार्केट से फर्टिलाइज़र लेके आते हैं, जैसे उसमें बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में फर्टिलाइज़र होता है, तो अगर हम उसे ज़्यादा अगर क्वान्टिटी में अपने प्लांट्स को देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं, हमारे प्लांट्स उसमें मर जाते हैं। तो अगर हम इस टाइप का ही फर्टिलाइज़र अगर हमारे घर में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। ये है कि मैंने इसे 2 दिन पहले इसे मैंने पानी में भिगा के रखा था, आज का 3रा दिन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे 2 दिन या 3 दिन तक के पानी में भिगा के रखें, आपके घर में जो भी मीन्स वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं आप सभी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एग्स के शेल्स भी लिए हैं और पालक ली है, और जैसे सड़ा हमारे घर में जैसे सड़ा हुआ नींबू होता है हम उसे फेंक देते हैं, तो इसे फेंक के ना इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन सी होता है, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो अगर आप इसे 2 दिन तक के पानी में, बस कुछ नहीं, नॉर्मल पानी में ही इसे भिगा के रखना है। अगर आपने इसे दो दिन पहले या 3 दिन पहले पानी में भिगा के रखा है, उसके बाद में आपने इसे निकाल देना है। आप इसे अगर निकाल देंगे और निकालने के बाद आपने इस पानी को थोड़े ज़्यादा पानी में मीन्स डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करके आप सारे प्लांट्स को अपने घर के थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। अगर आप ऐसे 8 दिन में या 15 दिन को अगर आप अपने पेड़ों को अगर ये पानी देते हैं मीन्स फर्टिलाइज़र अगर देते हैं, तो आपके घर के पेड़ कभी मरेंगे नहीं और हमेशा हेल्दी रहेंगे। उसमें काफ़ी मात्रा में अगर फ्रूट्स वाले हैं तो फ्रूट भी बहुत अच्छे आएंगे और मीन्स फूल भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ये जिससे कि हमें हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वैसे ही पेड़ों को भी ज़रूरत होती है। तो ये जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे स्पिनाच होती है, जैसे ये कि आप देख रहे हैं बैंगन का, ये बैंगन होता है और ये एक शेल है, अगर इसे हम पानी में भिगा के रखते थे, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, फोलेट्स होते हैं और फैट है, ये सारा में जितने न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है वैसे ही इसमें जैसे पेड़ों को भी आयरन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये पालक में बहुत कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है कि अगर हम पालक का यूज़ हमेशा इस तरीके से किया जाए, अगर इसे फेंके ना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। सो आप भी अपने घर के पौधों को अगर इस टाइप का फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र उन्हें मिलेगा और आपको बहुत आसानी से भी मीन्स अच्छे प्लांट की ग्रोथ देखने मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।